अगर जैसे गर्मी में तुम्हें दो बार नहा तो दिन में कई बार तीन बार भी नहा लेता था, लेकिन जाड़ों के टाइम में एक बार ही नहाता हूँ, लेकिन थोड़ा लेट करके नहाता हूँ क्योंकि अच्छे से रिलैक्स होकर नहाना, क्योंकि हड़बड़ी में नहाना मुझे पसंद नहीं है। नहा दो कर रहे हो ना रिलैक्स होकर आराम से नहा के अपने फ्रेश फील करो तो मज़ा आता है। सो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आप सबसे वेरी गुड फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे आप सब अच्छे होंगे, अपने मैसेज जी रहे होंगे, कैसे अभी भी वही है नहीं, अभी तो दोपहर के कितने चार बजने वाले हैं शाम के, तो उसके समय जब जागो तभी सवेरा। सही में बहुत दिन से आपने देखा होगा मैं ब्लॉग में थोड़ा सा ढीला पड़ गया था क्योंकि छठ पूजा थी और मैं बहुत 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 सारा बिजी था, बहुत सारा बिजी था, कई सारे इवेंट्स थे, पाइल्ड अप चीज़ों को करना, मैनेज करना, पूजा की तैयारी, शॉपिंग, प्लानिंग, कुछ तरह नहीं कर पाया था ब्लॉगिंग, लेकिन अब आई एम बैक और मेरे ब्लॉग सब लगातार आपको आते रहेंगे, डेली आते रहेंगे, ये मेरा वादा आज से। तो चलिए फिलहाल करते हैं बातों तो पानी करके हम करते रहेंगे शुरुआत। चलो हे फ्रेंड्स, इट्स 17 इन द इवनिंग और देखो मेरा आँखें ऐसे बंद हो गई है, फिर थकावट की यानी छठ पूजा का जो थकावट होता है ना बहुत लंबा तक रहता है, बहुत ही बड़ा फेस्टिवल, इट्स लाइक अ मैरिज यार, बस शादी की तरह जितना भी दौड़ भाग होता है ऐसे होता है। और अभी सच बताऊँ तो मेरा रूम भी बिल्कुल ही आस पास, देखो सामान डम किया हुआ है, कारपेट रोल्ड ऑफ है, चीज़ें डम की हुई हैं, इधर अभी अभी बहुत कुछ सेट करना बाकी है, बाकी सारे रूम्स को आज सेट किया, आज बाकी बहुत सारे काम हुए, आज सुबह से मैंने बहुत सारे काम करा, देखो पिंपल फोड़ दिया, अभी बहुत सारे काम निपटाए हैं तो बाकी रूम्स तो अच्छे होंगे, बट ये रूम अभी भी बचा है और इसमें बहुत टाइम लगने वाला है, इसको अभी भी थोड़ा टाइम लगेगा इसको सेट करने में, यहाँ सामान वगैरह सेट करा था, मैंने नया प्लांट अपना देखा तो अभी टाइम लगेगा, अभी इतनी जल्दी ये चीज़ ख़त्म होने वाली नहीं है क्योंकि मैंने सोचा था इसको पूरा क्लीन करके फिर अच्छे से करूँगा, हालांकि डीप क्लीनिंग हुई थी इस रूम की लेकिन फ्लोर पे हुई थी, ज़्यादा चीज़ों को मैंने छेड़छाड़ नहीं करने दिया था, बट अभी मेरे को लग रहा है कि इसको पूरा साफ सफाई करके तब इसको वापस से बंद करूँगा, पर अभी क्या नहीं, ये तो सामान अब देख लो यहाँ पर, ये सब सामान जो है ये डंप है, अभी पूजा का सामान है, अब इनको हटाना भी है, अब बिना इसको हटाए कोई काम हो नहीं सकता, तो सबसे पहले उसको सही जगह पर प्लेस करूँगा, उसके बाद ही मैं कुछ कर सकता हूँ, फिलहाल देखते हैं क्या कर सकते हैं। इस हफ्ते तो मैं ऑफिस जा भी नहीं रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट है और दोनों के नाम नहीं ले रही है, तो देखता हूँ अभी, तो इस हफ्ते तो ऑफिस नहीं जाऊँगा, नेक्स्ट वीक से जाऊँगा। बैंगलोर का जो मौसम हुआ ना बिल्कुल ड्रास्टिक चेंज हुआ, अचानक से ठंड बढ़ गई है और इतनी ज़्यादा ठंड हो गई, और ठंड तो बहुत ज़्यादा नहीं कहेंगे, बारिश होने से थोड़ा सा जो मौसम है हवा में ठंडापन है कुछ ज़्यादा, सो जब हवा चलती है ना तो बहुत ज़्यादा वो ठंड लग रही है, जैसे पंखा चला के आप नहीं बैठ सकते, नॉर्मली आप बैठो तो कोई इतनी ठंड नहीं लगेगी, लेकिन अगर आप पंखा चला के बैठने की कोशिश करोगे तो एसी वाला काम कर रहा है पंखा अभी, तो आपको देखो भगवान ने बोला कि एसी मत लो, बैंगलोर में पंखा ले लो बहुत है, और मैं तुम्हें एसी का मजा दूंगा, वही हाल हो रहा है अभी फिलहाल, तो अभी बहुत ज़रा मौसम में ठंडापन है और बादल छाया हुआ है, जब दो दिन का वार्निंग भी इशू हुआ है कि दो दिन बैंगलोर में काफ़ी ज़्यादा बारिश होने वाली है, सो फिलहाल तो मैं ऑफिस तो नहीं जा रहा हूँ, आज कितने ही काम करूँगा क्योंकि बाकी छुट्टी पर तो मुझे को देखना पड़ेगा, सुबह से ही लगा हुआ था ऑफिस में भी, और घर की सफाई पूजा पाठ होने का ना, घर की सफाई बहुत छठ में क्या होता है ना, काफ़ी सारा सामान चेंज होता है, घर का सारा ओरिएंटेशन चेंज होता है पूजा के लिए, तो एक जैसे शादी ब्याह वाला माहौल हो जाता है, जैसे घर में शादी ब्याह ख़त्म होना
तो फिर काफ़ी घर में चेंजेस करने पड़ते, ये हटाओ वो हटाओ ये लगाओ वो लगाओ तो वैसा हाल था। तो अभी क्या है, सब वापस से अरेंज कर रहा हूँ, सो मैं आपको दिखाऊँगा सारा रूम अरेंज कर दिया है, वो जगह जो बास्केट वगैरह पड़ा था वो भी हटा रहा हूँ, और अब लास्ट जो बचा है वो मेरा अपना रूम है, तो आज उसको भी ठीक कर दूँगा, तो वो भी अच्छा हो जाएगा, फिर ढंग से रह सकते हैं यार। बड़ा सामान बिखरा था ना, तो बहुत असकत लगता है। कल रात को देखा होगा, कल रात को अभी थोड़ा पहले आपने ब्लॉग में देखा ही है कितना ज़्यादा सामान फैला हुआ है, और दिक्कत होती है उस चीज़ से। अरेंज रहे चीज़ें तो अच्छी लगती हैं, इतना हिल रहा यार ये, तो देखता हूँ वो भी ठीक कर दूँगा। बाकी देखो कैंपिंग का सामान गाड़ी में ला के रख दिया है, अब इसको अरेंज करना है। मैं अभी ऐसे डम कर रही हूँ, अभी आकांक्षा को छोड़ने गया था, फिलहाल तो सामान ऐसे डम किया है, अभी इसको लेकर अरेंज कर दूँगा। और हमारा वापस से प्लान्स वगैरह बन रहे हैं, तो अब आगे के ब्लॉग्स में आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा जो बीच में बंद हो रखा था, तो ही सब इसमें कुछ चीज़ें बंद थी तो आपको देखने को मिलेगा। फिर वापस हम शुरू कर रहे हैं चीज़ों को, सो अभी कैंपिंग शुरू, कैंपिंग का प्लान करें इस बार हम लोग, थोड़ा कैंपिंग का भी प्लान कर रहे हैं, तो देखूँगा बताऊँगा आपको। बहुत सारा प्लान है, और एक बड़ा प्लान भी है, लॉन्ग ट्रिप का ही प्लान है, वो भी आपको जल्दी देखने को मिलेगा। उसमें हालांकि थोड़ा टाइम है अभी, उसमें टाइम लगेगा, पर बाकी सारे जो प्लान्स हैं वो हो जाएंगे इम्प्लीमेंट होने, तो जस्ट वेट एंड वॉच चैनल। चलो फिलहाल घर चलते हैं और सामान को एडजस्ट करते हैं गाड़ी में, उसके बाद वापस अपने काम में लगते हैं। कैंपिंग के लिए नए चेयर्स मंगाए हैं, जिसमें स्पेशली मम्मी डैडी के लिए मंगाए, जिसमें उनको आराम होगा, सो ये अभी पीछे रख दूँगा। और बाकी हम लोग के लिए एक छोटा चेयर का एक सेट मंगाया है जिसमें हम बैठ सकते हैं, वो भी आपको दिखाऊंगा अगले कैंप में, आपको पूरा डेमोंस्ट्रेशन दूंगा। फिलहाल तो इसको एडजस्ट कर लेते हैं डिक्की में, फिलहाल तो सारा सामान एडजस्ट कर दिया पीछे डिक्की में, और कुछ चीज़ें आपको थोड़ा आगे करना पड़ा तो एडजस्ट हो गया सब। आज थर्सडे है तो आज पूजा का भी है प्लान, तो आज क्योंकि आकांक्षा को ऑफिस जाना था, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं, तो आज मैं ही करूँगा पूजा, फिर प्रॉपर जाऊँगा ऊपर नहाऊँगा, पहले पूजा कर लूँगा, उसके बाद ही प्लान निकाले करूँगा आज, क्योंकि बहुत दिन से मैंने भी थर्सडे का पूजा नहीं किया, तो आज मेरा भी मन था कि आज पूजा कर लूँ, बस पूजा करूँगा और उसके बाद ऑफिस में लगूँगा। थक गया यार, इस वीकेंड थोड़ा रेस्ट करूँगा, और इस वीकेंड थोड़ा प्लान भी है, टाइगर 3 का प्लान कर रहे हैं, देखता हूँ। कई दिन से आप देख रहे हो मेरे ब्लॉग में मेरा गिटार जो है ना पड़ा हुआ था, ये गिर गया था, टूट गया था, तो उसका एक्चुअली एक नॉक टूट गया था जैसे ट्यून करते हैं, तो पेंडिंग वर्क करके बनवाएंगे लेकिन टाइम नहीं मिला था, इतने सारे फेस्टिवल चैट मम्मी का ऑपरेशन सब था, जब सब खत्म हो गया तो बनवाने जो रही किसी भी ना ब्लॉग मज़ा नहीं था, मेरे को संतुष्टि नहीं मिली, अगर मेरा कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर टूट जाता है मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती है, तो सोचा कि चलो बनवा देते हैं, तो भी जा रहा हूँ फिर साढ़े आउट होगा यहाँ से लिया बनवाएंगे वहीं पर, हालांकि दिया तो जाने कैसे था, ऐसे साढ़े आउट मूवी म्यूजिक हाउस का एक ब्रांच है जहाँ बना देते भैया, चलो बनवा दें इसको। चलो उसे मौसम ऐसा हो रखा है ना, इतना डैम क्या डैम डैम सा मौसम हो जाता है, इससे बहुत तो इरीटेशन होने लगता है, फिलहाल सही मौसम और तबीयत भी ख़राब हो रही लोगों की बहुत ज़्यादा, अभी वो भी ध्यान देने वाली चीज़ है, कुछ कर नहीं सकते, ऐसे ही जीना है। देखो गिटार रख, चलो फिलहाल तो भाग लेते हैं संडे आउट और अपना काम करवा लेते हैं, नहीं तो वो पेंडिंग ही पड़ा रहेगा है ना। कभी कभी कोई काम प्लान करो तो प्लानिंग करते रह जाओगे, या जब तक वो एग्जीक्यूट नहीं करो तो थोड़ा सा वो प्लानिंग में ही मोड़ फंस जाता है, तो ये वाला काम मेरे कुछ ऐसे ही फंसा हुआ है, तो कब से सोच रहा हूँ करवाऊँगा करवाऊँगा, लेकिन हो क्या रहा है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है, कभी इवेंट था छठ पूजा था घर में, उस वजह से भी बिजी हो गया था, फिर ऑफिस में बहुत सारा काम था, ऑफिस आना जाना भी एक बड़ा टास्क हो जाता है, तो आज सोचा कि यार ऐसे तो एक्सक्यूज ही होते रहेगा,
मेरा हमेशा से मानना है कि काम करने का बस एक ही तरीका होता है, बाकी सारे एक्सक्यूजेस होते हैं, चाहे कोई भी हो। सवाल सोचा करा ही लेते हैं, नहीं तो हमेशा अपने आप को बोलते रहूँगा कि यार कल नहीं, परसों परसों नहीं, परसों से कभी ख़त्म नहीं होने वाला चीज़। चलो फिर करा लेते हैं। और सुबह सुबह हमारे ना सोसाइटी में ट्रांसफार्मर उड़ गया है, देखो ये लोग आए हुए ट्रांसफार्मर बना रहे हैं। एज यूजुअल वीकेंड पर निकलने का पाप तो मैंने कर दिया है, अब जो पाप किया है तो फल तो भुगतना ही पड़ेगा ना, तो ट्रैफिक पे फंसा पड़ा हूँ। गनीमत है कि थोड़ी मूविंग ट्रैफिक है तो उतनी प्रॉब्लम नहीं है जितने मैं सोच रहा था वीकेंड पर होगा आज, लेकिन मेरी प्रॉब्लम तो है ही। बेंगलोर में ट्रैफिक जो है ना बहुत बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। गवर्नमेंट इज ट्राइंग बेस्ट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, हर तरह के हर कंडे इस्तेमाल कर रही है, मतलब ढूंढ रही तरीके। यार देखो मैं गवर्नमेंट को भी ब्लेम नहीं करूँगा, जो है सो है, प्रॉब्लम तो है ही, एंड दे आर ऑल्सो ट्राइंग देयर बेस्ट। सो देखो क्या हो पाता है, नहीं हो पाता है तो झटपट से याद है। मम्मी ने इस बार बहुत डरते हुए झटपटा किया, आपने देखा है मम्मी का ऑपरेशन हुआ था, एंड मम्मी वॉज टू स्केप्टिकल बिकॉज बहुत लोग आके ना बोल दिए उन्होंने कि यार आपका ऑपरेशन हुआ है, आप कैसे करोगे, आप बीमार थे, आप देख लो, डॉक्टर से बात करिए करो, तो मम्मी के मन में एक वो डर बैठ जाता है। अब इसे नॉर्मल ही यार, किसी को तुम लगातार बोलोगे ना उसके मन में एक डर हो जाता है, तो मम्मी के मन में भी डर बैठ गया कि पता नहीं मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। फिर मम्मी, मैंने मम्मी को बोला कि चलो करते हैं, तुम आराम से कर पाओगी, चला यार तुम आराम से कर पाओगी, कोई टेंशन नहीं है, तुम अपना कॉन्फिडेंस रखो और अपने आप को जब ध्यान दो, बाकी कैसे क्या होना है नहीं होना है वो सब देख लेंगे। और जैसा आपने देखा मौसी भी आई हुई थी तो उनसे भी काफ़ी सपोर्ट मिला, मौसा ने पूरा बहुत कुछ हेल्प किया। शामिल को इस बार हमने डेडिकेट किया था क्योंकि शामिल को मैं चाहता था कि शामिल का पहला छठे तो उसको एक्सपीरियंस करने का मौका मिले, वो देखना एक चीज़ होता है, एक्सपीरियंस करना अलग चीज़ होता है। तो देखोगे तो ठीक है, वो तो अच्छी बात है कि आप देख रहे हो, देख के सीखोगे, बट अगर आप साथ ही साथ एक्सपीरियंस करोगे ना तो वो एक्सपीरियंस आप कभी नहीं भूलोगे, वो चीज़ आपके दिमाग में घर कर जाती है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि शामिल इस चीज़ को एक्सपीरियंस करे पूरी तरह और उसको फील करे कि भाई वो छठ वाला फीलिंग क्या होता है, क्योंकि बचपन में हमने भी किया था। देखो मैं भी बड़ी माँ के यहाँ होता था तो हम जाते थे वहाँ पर, साथ में पूरा परिवार इकट्ठा होता था, भाई लोग सब इकट्ठे होते थे, बहुत मस्ती करते थे, बहुत ज़्यादा इंजॉय करते थे, तो उस तरह से वो एक सेंटिमेंट जुड़ जाता आपका, है ना, एक सेंटिमेंट आपका जुड़ जाता है उसके साथ। मेरा एक सेंटिमेंट जुड़ा हुआ था छठ के साथ, अभी भी जुड़ा हुआ है, तो इसलिए कोशिश ही रहती है कि उस तरह का सेंटिमेंट अगर आपका जुड़ जाए तो आप उसको रिलेट कर पाओगे और अच्छे से इन्जॉय भी कर पाओगे हर साल। सो वही फीलिंग थी मन में, तो शामिल को मैंने सोचा कि इसको एक्सपीरियंस करने देते हैं ताकि वो समझ पाएगा उसकी वैल्यू को, उसके महत्व को और उसके सेंटिमेंट्स को अटैच कर पाएगा, तो वही बात थी। अच्छा से वो बहुत अच्छा से छठ हुआ, बहुत लोगों ने इन्जॉय किया, थोड़ी प्रॉब्लम से शुरू हुए लेकिन तब ऊपर वाला आपके साथ हो तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है, और बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ इस बार। और इस बार तो मतलब कह रहे ना ग्रैंड तरीके से प्रसाद बटा है हमारे यहाँ से, क्योंकि बना भी बहुत ज़्यादा था इस बार और लिटरली ग्रैंड तरीके से प्रसाद बटा है, तो अच्छा लगा मुझे। लोग जो देखो क्या है ना, कभी कभी फेस्टिवल्स ऐसी चीज़ होती है जो अकेले मनाने की चीज़ नहीं होती, आप सबके साथ मिल के मनाओ तो अच्छा लगता है। छठ एक ऐसे ही फेस्टिवल है, महापर्व कहते भी हैं इसको, और इसमें सेवा और मिलजुल के करने का चीज़ है, तो वही किया हमने इस बार, अच्छा लगा, मन को बहुत सेटिस्फैक्शन हुआ कि छठ पूजा अच्छे से हो गया और ग्रैंड तरीके से किया, तो दिल को बहुत खुशी मिली। ऑल गुड दैट एंड स्वेल, चलो फिलहाल तो ट्रैफिक से जूझते हैं, रुका हुआ इस बार ऐसे सारा होना, तो गाड़ी पार्किंग की बहुत प्रॉब्लम है, तो गाड़ी फिलहाल 1 किलोमीटर पीछे छोड़ दिया, अभी वॉक करके आ रहा हूँ, 1 किलोमीटर तो वॉक कर ही सकते हैं, तो वॉक करते भाई पहुँच जाऊँ स्टोर, ऑलमोस्ट पहुँच गया हूँ, करना पड़ता है यार देखो किस्मत, देखो तो सामने स्पॉट खाली है, पर तो भरोसा नहीं होता यार, अगर नहीं होता तो फिर मैं
आगे तक जाना पड़ता, इससे बेटर है पहले कहीं छोड़ दो तो इजी हो जाता है। चलो तुम पहुंच गया ऑलमोस्ट, चांस वाली बात है, चांस लेना है या नहीं लेना। मैंने बोला उधर पार्किंग मिली नहीं तो ले लेते हैं, ये तो वैसे अभी कोई आपको पार्किंग नहीं दिख रहा होगा क्योंकि बाई चांस वहाँ एक स्पॉट खाई था, अभी भी कोई गाड़ी निकली होगी। तो ऐसा भी हो सकता था कि जब नया आया था तब उसमें स्पॉट खाली नहीं मिलता, वही चांस वाली बात है। चलिए बारिश भी हल्की हल्की हो रही है, लौटने में देखते हैं क्या करेंगे, छत्ता लेना पड़ेगा कहीं से। फिर आपको विवेक कॉस्ट पहुँच के पहले अपना काम करवाते हैं। सो फाइनली मेरा गिटार बन तो गया है, मुझे ने बड़े अच्छे से बना दिया यार, पर्सनली सब बना देते हैं भैया, इसलिए मेरे को बहुत अच्छा लगता है। अभी भी उनको बोल रहा हूँ अपने पर्सन इस पर बना देते हैं, तो अभी फिलहाल वॉक कर रहा हूँ। वापस कहा था ना पार्किंग 1 किलोमीटर पीछे गया था, सो फिलहाल तो वॉक करके जाना पड़ेगा पीछे। गाड़ी मेरे को दिख नहीं रही है फिलहाल, आधा किलोमीटर तो आ गया हूँ मैं लगता है, गाड़ी नहीं दिखी, देखता हूँ आगे कहीं लगी होगी। बारिश हो गई थी बीच में, इसमें रुकना पड़ गया, थोड़े से कुछ सामान उठा लिया मैंने स्टोर से। एक्चुअली जो म्यूजिक हाउस है उसके ठीक नीचे शिव स्वीट्स है, यहाँ पहले हम अक्सर आया करते थे, तो वहाँ से कुछ कुछ सामान उठा लिया चार वगैरह, राशि का स्क्रैच खत्म हो रहा था तो वो भी ले लिया। चलो फिर तो गाड़ी ढूंढते बड़ी गाड़ी दिख नहीं रही थी, पीछे लगी हुई। फाइनली मेरे को मेरी गाड़ी मिल गई यार, बारिश में इतना हॉटपॉच हो गया ना, वॉक करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो बारिश हो रही ना उसकी वजह से देख लो पूरे हॉटपॉच हो जाए मार्केट में, गंदगी फैला तो चलता तो उसकी वजह से प्रॉब्लम होता है। चल भाई काफ़ी जद्दोजहद के बाद ट्रैफिक से बचते हुए निकल गया यहाँ पर, मेरा फ़ोन भी डेड हो गया यार, मैं नथिंग से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यहाँ देखो धूप आ रही है, कभी बारिश हो रही है कभी धूप हो रही, पता नहीं चल रहा है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई ना उसकी वजह से, उमस वाली गर्मी भी आती है, फिर कभी कभी बारिश हो रही है और यहाँ देखो एकदम सूखा हो, यहाँ तो धूप है, उसकी वजह से ना काफ़ी उमस वाली गर्मी हो गई थी। फटाफट एसी चला के बैठेंगे भैया, कोई चारा नहीं है, एसी में बैठ जाओ घर पहुंच जाओ। बाइक वाले तो बहुत डर लगता है, अपनी जान की परवाह किए बिना चलाते हैं यहाँ पर, बैंगलोर में ना बहुत गंदा ड्राइविंग है, बाइक वाला यहाँ नॉर्मली स्कूटी एक्टिवा ये सब बहुत देखोगे, एक्टिवा होंडा देखोगे, बहुत सारा इस तरह के व्हीकल्स दिखते हैं और बहुत अनकंट्रोल में चलाते हैं बिल्कुल, इससे प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है यू हैव टू लिव विद इट, टेढ़ा है पर मेरा है बोले हम बात है। आज हम लोग का मूवी का प्लान बन गया, तो हम लोग जा रहे हैं टाइगर देखने, टाइगर 3 रिव्यू अच्छा नहीं पड़ रही है, नहीं क्या अपने आप को रोल सकते हैं, सबका अलग अलग व्यू पॉइंट होता है, सो देख के बताएंगे कैसा है। हम तो 1 घंटे का टाइम बचा है, आ चुके हैं देख के आते हैं बताते हैं कैसा है। बहुत बोर हुआ मैं, मूवी ज़्यादा ही लंबी की थी, स्टोरी लाइन कुछ ज़्यादा है नहीं और मज़ा नहीं आया, बहुत मज़ा नहीं आया। तो दोनों आए थे शॉपिंग करने यहाँ पर, ये मॉल पहले सॉल्स ब्रेड के नाम से आना था, फिर रिलायंस ने टेक ओवर कर लिया तो सेंटर पर मॉल हो गया इसका नाम, पर अच्छा बना दिया चले। वापस जाएंगे घर,